दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पे। और आज अपन बात करने वाले हैं कि राजस्थान PTET की जो परीक्षा है, जैसा कि आपको पता है कि 16 सितंबर को एकदम सही तरीके से कंडक्ट हो चुकी है। अब बात करें उसके रिजल्ट की, तो रिजल्ट कब तक आने वाला है और कट ऑफ आपकी कितनी रहने वाली है, तो इसी से रिलेटेड आज अपन पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन देखने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहिएगा। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले बता दूँ, वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि PTET एग्ज़ाम की रिजल्ट से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम आपके सामने लाते रहते हैं। PTET का रिजल्ट और कट ऑफ देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट rkla.in पर आप आ सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा, या फिर आप क्रोम ब्राउज़र के अंदर आने के बाद जस्ट rkla.in भी सर्च कर सकते हैं। जैसे आप rkla.in सर्च करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा। ये देखिए, यहाँ पे आपको PTET की जो आंसर की वो मिल जाएगी, और इसके अलावा BSTC का रिजल्ट है वो भी आप हमारी वेबसाइट पे आकर निकाल सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके रिजल्ट और टाइम टेबल से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाती है, जैसा कि आप देख ही पा रहे हैं। अगर आपको PTET से रिलेटेड ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए कट ऑफ और रिजल्ट से रिलेटेड, तो आपको जस्ट करना कुछ भी नहीं है, यहाँ पर आपको PTET लिखना है। और जैसे आप इस सर्च बॉक्स पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने राजस्थान PTET से रिलेटेड सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाती है। देखिए, जैसे कि आप देख भी पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दे भी रखा है कि PTET रिजल्ट 2020 कट ऑफ मार्क्स मेरिट लिस्ट जो भी है, आपको जस्ट इस पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस खुल जाएगा, जस्ट आपको नीचे आना है। ये देखिए, नीचे दे भी रखा है कि राजस्थान PTET की परीक्षा 16 सितंबर 2020 को राजकीय डूंगर कॉलेज के द्वारा पूर्ण करवा दी गई है। राजस्थान स्टेट लेवल PTET परीक्षा का परिणाम अक्टूबर महीने में जारी कर दिया जाएगा। परिणाम की सूचना PTET DCB 2020.com पर उपलब्ध करवा दी जाएगी। PTET 2020 की ताज़ा जानकारी के लिए आप रोज़ाना www.rkla.in विजिट करते रहें, ठीक है। और बात करें कट ऑफ मार्क्स की, तो आपकी कट ऑफ कितनी क्या जा सकती है, तो PTET कट ऑफ 2020 कैटेगरी वाइज आपको दे भी रखी है इन्होंने कि भाई जनरल की जो कट ऑफ है 342 यानी 335 से लेकर 345 के बीच में आपकी जा सकती है, ठीक है। यानी कि इसे 5 या 10 नंबर आप ऊपर नीचे हो सकते हैं। उसके अलावा OBC की कट ऑफ दे रखी है, SC और ST, यानी कि चारों कैटेगरी आपकी जो है मेल की और फीमेल की जो कट ऑफ वो दे रखी है 2020 की एक्सपेक्टेड, यानी 2019 और आपका जो पेपर है उसके लेवल के एक्सपेक्टेड के अकॉर्डिंग आपकी जो कट ऑफ इन्होंने दे भी रखी है, जैसा कि आपको पता भी है। और भी नीचे आपको इन्फॉर्मेशन दिखा देता हूँ। PTET 2020 BEd पाठ्यक्रम वे BA BEd या फिर BSc BEd पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु रिक्त रही सीटों पर काउंसलिंग रिजल्ट के बाद ही प्रारंभ की जाएगी। अब बात करें रिजल्ट की, तो रिजल्ट आपको मैं दिखा देता हूँ अभी ऑफिशियल वेबसाइट पे क्या इन्फॉर्मेशन इन्होंने दे रखी है या फिर नहीं दे रखी है। तो जस्ट आपको नीचे ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, यहाँ पे आपको PTET DCB.2020 वाले लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये देखिए PTET की ऑफिशियल वेबसाइट खुल जाती है। यहाँ पे आपको एक लाइन चल भी रही है कि PTET 2020 की प्रवेश परीक्षा 16 सितंबर 2020 को होगी और इस पर प्रवेश पत्र 11 सितंबर को अपलोड कर दिए जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर भी सकते हैं। लेकिन रिजल्ट को रिलेटेड लेकर इन्होंने कोई भी अभी तक नोटिस जारी नहीं किया है, जहाँ पे भी देखें अपन कोई भी नोटिस इन्होंने अभी तक जारी नहीं किया है रिजल्ट को लेकर। तो रिजल्ट को लेकर सोशल मीडिया पे और पिछले रिजल्ट के अकॉर्डिंग अनुमान लगाया जा रहा है कि आपका जो PTET का जो रिज़ल्ट है, जो कि 30 सितंबर के लास्ट वीक तक या फिर अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक, ठीक है, यानी कि 28 सितंबर के बाद में, यानी कि 30 और 5 अक्टूबर से बीच के अंदर आपका जो है रिजल्ट घोषित हो सकता है, यानी कि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के बीच में आपका रिजल्ट जो है जारी हो सकता है। रिजल्ट को लेकर अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है, जैसे ही ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकल के आएगा हम आपके सामने इन्फॉर्मेशन जरूर लेके आएंगे। और फिलहाल अनुमान के अकॉर्डिंग बताया जा रहा है, पिछले जो रिजल्ट जारी हुआ था उसके अनुमान और अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग बताया जा रहा है कि आपका जो रिजल्ट है 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के बीच में जारी हो सकता है, ठीक है। और कट ऑफ आपको मैंने दिखा भी दिया। इसके अलावा अगर आपको फिर भी किसी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके हमें पूछ भी सकते हैं। और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस इन्फॉर्मेशन को देख सकें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।